ओके, सब्जेक्टिव शीट नंबर 46 का क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट, फोर्थ में टू लाइक मैग्नेटिक पोल्स ऑफ स्ट्रेंथ। देखो एक चीज समझो, पोल स्ट्रेंथ है या डायपोल मोमेंट है, दोनों में फर्क है। ये पोल स्ट्रेंथ है, तो पोल स्ट्रेंथ है 5 और 20 आर सिचुएटेड, एक 5 एम्पियर मीटर का स्मॉल m1 है और एक m2 की वैल्यू कितनी है 20 एम्पियर मीटर है, और इनके बीच में दूरी कितनी है 0.1 मीटर अपार्ट है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू पोल्स विल मैग्नेटिक फील्ड बी जीरो? बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम है, एक 5 है, एक 20 है स्मॉल m की वैल्यू, स्मॉल m की वैल्यू, और आपको ये डिस्टेंस कितना गिवन है 0.1 मीटर गिवन है। तो मान लो ये वो x वो डिस्टेंस है जहां पर नेट भी जीरो, तो ये कितना है 0.1 माइनस x। तो इसके अंदर मान लो ये वो पॉइंट है जहां पर नेट भी जीरो है, तो मान लेते हैं यहां पोल स्ट्रेंथ, एक पोल पड़ा हुआ है मान लो m या किसी वैल्यू का इमेजिन कर लो, तो ये 5 इस m को लेट अस सपोज क्या करता है रिपेल, विद b की वैल्यू या फोर्स की वैल्यू क्या है म्यू नॉट बाय 4 बाय कूलम लॉ, 5 इनटू m डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, और ये 20 इस m को रिपेल करता है म्यू नॉट बाय 4 पाई, 20 इनटू m डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस x का होल स्क्वायर। तो नेट भी 4 जीरो करने के लिए दोनों को क्या कर लिया इक्वेट, फोर्स निकाल दो, या ऐसा कर लो जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में नेट e जीरो करते थे प्लस 1 मान लो, तो यहां पर भी 1 मान लो, फर्क क्या पड़ता है, m से m कैंसिल। तो यहां से ये टर्म आ गई, ये 4 हो जाएगा, अंडर रूट ले लेना x की वैल्यू, क्लियर है यहां तक? तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 5 का डाउट, 5 में डाउट, 5 में टू बार मैग्नेट जिसकी लेंथ आपको गिवन है और पोल स्ट्रेंथ गिवन है, तो 75 और 75 और लेंथ इसकी कितनी गिवन है 12, कितनी 0.1, अच्छा टू बार मैग्नेट्स हैं और लेंथ आपको गिवन है, पोल स्ट्रेंथ भी गिवन है, आर प्लेस्ड ऑन द सेम लाइन, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ओके ये पहली मैग्नेट है और ये दूसरी मैग्नेट है, तो इसमें जो लेंथ है वो 0.1 मीटर है, इसकी लेंथ भी 0.1 मीटर है ये रही, और इनके जो सेंटर्स हैं उनके बीच में दूरी कितनी है 0.2 मीटर है, ये लो ठीक। तो आपको ये बताना है रिजल्टेंट फोर्स बतानी है इनकी क्या है, हाँ आपको ये गिवन है, ये भी 75 है, ये भी 75 है m की वैल्यू, m की वैल्यू ये भी 75 है और m की वैल्यू ये भी 75 है। तो मैंने क्या सिखाया था, ऐसे एक एक करके करना है, ये देखो दो बार मैग्नेट्स है ना, तो इमेजिन कर लेते हैं कि तो नॉर्थ पोल ऑफ वन फेसेस इज साउथ पोल ऑफ अनदर, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो ये साउथ और ये नॉर्थ ऐसे, तो इसमें क्या करेंगे देखो, ये साउथ इस साउथ को रिपेल करेगा, तो इनमें पहले कूलम लॉ लगा के फोर्स निकाल लें, ये साउथ इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा कूलम लॉ से फोर्स निकाल लें, ये नॉर्थ इस साउथ को अट्रैक्ट करेगा कूलम लॉ से फोर्स निकाल लें, ये नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा कूलम लॉ से फोर्स, चार फोर्सेस निकलेंगी, तो अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स ऐड करें, फिर दोनों बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दें, तो चार फोर्सेस अलग अलग निकाल के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन के बाद सिक्स्थ के बाद सेवंथ, एट्थ, टू थिन बार मैग्नेट्स ऑफ पोल स्ट्रेंथ 25 और 48 एंड लेंथ आपको गिवन है, आप प्लेस राइट एंगल टू ईच अदर विद नॉर्थ पोल ऑफ फर्स्ट टचिंग द साउथ पोल ऑफ सेकेंड, तो नॉर्थ पोल ऑफ फर्स्ट साउथ पोल ऑफ सेकेंड राइट एंगल, ये देखो तो ये आपका नॉर्थ पोल है फर्स्ट का और नॉर्थ साउथ पोल ऑफ सेकेंड, ये देखो टच कर रहा है ये ऐसे, ये रहा ठीक है, परपेंडिकुलर है टच कर रहे हैं। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम, अब सबको पता है कि इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहां पर होगा, नीचे m1, क्या होगा स्मॉल m इनटू 2l, दोनों चीजें गिवन है m1 आ जाएगा, तो इसका कहां होगा साउथ से नॉर्थ m2, स्मॉल m इनटू 2l दोनों परपेंडिकुलर, तो नेट वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट ऑफ क्या m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर, आंसर निकाल लेना आंसर, क्लियर है यहां तक।
नेक्स्ट एट्थ के बाद क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, ठीक है गया. नेक्स्ट 46 के बाद शीट नंबर 47 का क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, फाइव, ये मैं क्वेश्चन टू में डाउट है. टू में यस सर. क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में आपको ये गिवन है कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना है. बार मैग्नेट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड पोल स्ट्रेंथ गिवन एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच पोल. तो ये बार मैग्नेट है, ये पोल है इसका, ये टोटल 2 सेंटीमीटर है तो आधा एक एक हो जाएगा. इसके 10-10 सेंटीमीटर दूर आपको बी की वैल्यू बतानी है क्या होगी. तो ये कौन सा पॉइंट है? इक्वेटोरियल. तो आपको आर निकालना पड़ेगा. कैसे? ये 10 है, ये 1 है, पाइथागोरस से आर आएगा. तो लगा लेना बी इक्वेटोरियल शॉर्ट डायपोल के लिए. क्लियर है? यस सर. ठीक है, राइट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट, 5 में, सिक्स में. दी इंटेंसिटीज नहीं, मुझे फिफ्थ डिस्कस करना है. क्या मैंने फिफ्थ किया था डिस्कस? नहीं. कितनों का हो गया फिफ्थ? मैंने कर लिया था इक्वेटोरियल और एक उस पोल वाला. कैसे किया था? बार मैग्नेट लेके, राइट. सही है. फिफ्थ सिक्स्थ में इंटेंसिटीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट टू पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट एट अ डिस्टेंस ऑफ. तो ये बार मैग्नेट है तो एक डिस्टेंस इसके सेंटर से आर वन इज इक्वल टू 0.1 मीटर दूर एक पॉइंट है जहां पर बी की वैल्यू निकालनी है. और यहीं से आर टू इज इक्वल टू 0.2 मीटर दूर एक पॉइंट है जहां पर आपको बी टू निकालना है. दोनों पे फॉर्मूले क्या लगेंगे? बी एक्सएल का ही लगेगा. आपको बी वन और बी टू की रेशियो क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी 12.5:1. आपको एल निकालना है. तो लेंथ ऑफ द मैग्नेट सपोज कितनी है? 12. अब बी एक्सएल का फॉर्मूला क्या होगा? बी एक्सएल का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई, मैं शॉर्ट डायपोल यूज नहीं करूंगा, 2 × M × R बाई एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर. ऐसे ही है. तो कैपिटल एम की जगह क्या पुट करेंगे? स्मॉल एम इंटू 12. ऐसे बस ये उतनी बड़ी कि कैपिटल एम को कैपिटल एम रहने दो तब भी चलेगा. तो इसमें यही रहने दो, इसको ऐसे जैसे है. तो आप एक बार केस नंबर वन यहां पुट करेंगे, एक बार केस नंबर टू यहां पुट करेंगे आर के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के साथ, और फिर से सॉल्व करके बड़ी कैलकुलेशन है और एल की वैल्यू को निकालेंगे. एल आएगा तो लेंथ ऑफ द मैग्नेट आ जाएगी 2 × L. एल को 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा. वैसे लंबा इतना बड़ा कैलकुलेशन आएगा नहीं, पर मेथड समझ में आ रहे हैं कि क्या यूज करेंगे इसमें. सिक्स्थ के बाद सेवन्थ. सेवन्थ में ऐसा है कि दो मैग्नेट्स हैं फिर से. तो एक मैग्नेट के लिए वो क्या कह रहे हैं? एक कैपिटल मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब कैपिटल एम दोनों के लिए गिवन है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है दोनों. तो फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी. अगर एक मैग्नेट से उसकी दूरी 30 है और एक से 60 है, तो ऐसा कोई है, एक से ये पॉइंट की दूरी 30 है और एक से ये पॉइंट की दूरी 60 है. तो साउथ से नॉर्थ है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट राइट है. तो ये पॉइंट इसके लिए एक्सियल है तो बी एक्सियल. और ऐसे ये साउथ से नॉर्थ ऊपर है तो बी एक्सियल, तो इसके लिए भी बी एक्सियल. तो नेट बी की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों का वेक्टर सम होगा. कोई डाउट इसमें? तो वेक्टर सम लगा देना. क्लियर है यहां तक? ठीक. और डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू दिस साइड, यानी कि बी ऑफ दिस बी अपॉन दिस बी. तो जो भी आप बी निकालेंगे टेन थीटा की वैल्यू आएगी. जैसे टेन थीटा सॉल्व करके आ रहा है 0.25. आप सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे, आप टेन इनवर्स 0.25 छोड़ेंगे इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट. ठीक. क्वेश्चन नंबर हो गया. नेक्स्ट शीट नंबर 47
यही है क्या? सेम है ये, अलग है क्या? अच्छा सेम है, ये हो गई ना अभी 48 48, शीट 48, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, सर्कुलर कॉइल 300 टर्न्स है, डायमीटर मतलब रेडियस गिवन है, कैरीज अ करंट गिवन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ लूप, एक करंट कैरिंग लूप का कैपिटल एम क्या होता है, करंट इनटू एरिया, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई भी कर देना है, तो क्या करेंगे इसमें करंट इनटू एरिया इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि सर्कुलर लूप है तो पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई आंसर, ठीक है, तो कैपिटल एम करंट कैरिंग लूप ऐसे निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट, 4 में टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेट ऑफ लेंथ गिवन, मैग्नेट की लेंथ गिवन है, अभी बार मैग्नेट है और पोल स्ट्रेंथ गिवन है। अब देखो ना, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कैपिटल एम है ना, ये कैपिटल एम, स्मॉल एम है पोल स्ट्रेंथ, कैपिटल एम निकालना पड़ेगा कैसे, स्मॉल एम इनटू 2l, तो लेंथ ऑफ द मैग्नेट 2l होती है और ये स्मॉल एम है, तो स्मॉल एम इनटू 12 क्या देगा, कैपिटल एम देगा, कैपिटल एम प्लेस्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला पैरेलल टू द फील्ड, तो मैग्नेट अगर पैरेलल टू द फील्ड पड़ी हुई है तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम क्रॉस कैपिटल बी, एम बी साइन थीटा, तो थीटा इसमें जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो, तो टॉर्क क्या आएगा इसमें जीरो, और दूसरे केस में एंगल क्या गिवन है, परपेंडिकुलर, तो एम बी साइन 90, तो कैपिटल एम की जगह पुट क्या करना है, स्मॉल एम इनटू 12, क्लियर है यहां तक, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन में डाउट, सिक्स्थ क्वेश्चन में डाउट, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ में शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस विद इस एक्सिस 30 डिग्री विद यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड गिवन, तो एक मैग्नेट है बी के साथ एंगल क्या बनाया हुआ है 30 डिग्री, टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड, टॉर्क की वैल्यू भी गिवन है, क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट कैपिटल एम निकालना है, तो रूल नंबर 1, कैपिटल एम होता क्या है, एम बी साइन थीटा, दिस इज नॉट स्मॉल एम, दिस इज कैपिटल एम, ये गलती से स्मॉल एम यूज कर रहा है, ये कैपिटल एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, तो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा से पहले पार्ट में कैपिटल एम आ गया, दूसरे पार्ट में इफ द बार वर फ्री टू रोटेट विच ओरिएंटेशन वुड कॉरस्पॉन्ड टू स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, देखो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आती है मिनिमम, तो मिनिमम कब आएगी एम बी कॉस थीटा में, जब कॉस क्या होगा जीरो, और मैक्सिमम कब होती है, जब एंगल क्या होता है 180, इसको समझने के लिए काम करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी किया था, सपोज मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ है, राइट की तरफ है, अगर राइट है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं नॉर्थ होगा, कहीं ना कहीं यहां पर साउथ होगा, आप इसके अंदर एक बार मैग्नेट रखते हैं सच दैट ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, तो नॉर्थ इज अट्रैक्टेड बाय साउथ, साउथ इज अट्रैक्टेड बाय नॉर्थ, तो नेट फोर्स क्या आ गई जीरो, तो ये कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के नेट फोर्स क्या है जीरो, और आप अगर इसे रोटेट करते हैं तो ये वापस यहीं पे आ जाती है, तो इसका मतलब ये क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो इसके अंदर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहां पर है कैपिटल एम साउथ से नॉर्थ, और बी वेक्टर भी कहां है राइट, तो कैपिटल एम और कैपिटल बी में एंगल क्या बनेगा जीरो, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में एंगल क्या बनेगा जीरो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा, नॉर्थ एंड साउथ उल्टा, अब देखो साउथ ने साउथ को रिपेल करना है और इस नॉर्थ ने नॉर्थ को रिपेल करना है, नेट फोर्स इसके अंदर भी एग्जैक्टली क्या है जीरो, पर एक प्रॉब्लम है आप इसे अगर हिलाते हैं हल्का सा भी तो ये ऐसे स्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल से स्टेबल हो जाता है राइट, तो अनस्टेबल से स्टेबल होता है, तो इस केस में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहां से कहां है साउथ से नॉर्थ और बी कहां है राइट, तो कैपिटल बी और कैपिटल एम में एंगल क्या है 180, तो याद रखना स्टेबल के अंदर एंगल क्या होता है कैपिटल एम और कैपिटल बी में जीरो, अनस्टेबल में 180, ये याद रखना, तो हो जाएगा आंसर ठीक। तो नेक्स्ट है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन फर्स्ट एंड सेकेंड केस, तो माइनस एम बी कॉस जीरो माइनस एम बी कॉस 180 आंसर, नेक्स्ट है खत्म हो गया ठीक। टेंथ क्वेश्चन में डाउट, यस, कैलकुलेट वर्क डन इन रोटेटिंग अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम गिवन है थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम पोजीशन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ गिवन, यानी कि पहले मैग्नेट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है तो थीटा 1 क्या रहेगा इसमें जीरो,
फिर आपने रोटेट करके उसको कितने एंगल पे लेके आना है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। अगर आपको याद हो तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। तो इसमें थीटा वन को क्या पुट करेंगे, जीरो, और थीटा टू को क्या पुट करेंगे, 60। आंसर एम भी पुट कर लेना आंसर। पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट इलेवेंथ क्वेश्चन में डाउट। इलेवेंथ में अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट गिवन, कैपिटल एम इज गिवन, इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। लटक रहे, मैग्नेट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो एक मैग्नेट कहां पर थी, वो रेस्ट ईस्ट वेस्ट थी, और वो कहां लाइन हो जाती है, नॉर्थ साउथ। इसका मतलब अर्थ का फील्ड एक्चुअल में नॉर्थ साउथ है। तो हमने इसको यहां से शुरू करके यहां लेके आए, इसका मतलब कि मैग्नेट और बी में एंगल क्या था शुरू में, 90। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैग्नेट एज इट्स अलाइन इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो थीटा वन शुरू में क्या था, 90। जब ये अलाइन होगी मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो थीटा टू क्या हो गया, 0। तो वही सेम ये रहने, तो कुछ नहीं करना इसमें, सीधा आप इसमें कितना वर्क डन होगा, एम बी कॉस ऑफ थीटा वन माइनस कॉस ऑफ थीटा टू, ये लगा लेना, थीटा वन पुट कर लेना, थीटा टू पुट कर लेना, वर्क डन आ जाएगा। ये जो वर्क डन होगा यही काइनेटिक एनर्जी में फॉर्म में बाहर आएगा, क्योंकि जो वर्क डन है बेसिकली क्या है, दिस इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी ही है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगी तो मिनिमम हो जाएगी, तो जाएगी कहाँ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक बाहर आएगी। यही आपकी काइनेटिक है, यही आपकी पोटेंशियल है, तो यही वर्क डन बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट इसमें? अर्थ मैग्नेटिज्म एनसीईआरटी में नहीं रहा, वैसे पूछना है पूछ लो। क्वेश्चन नंबर वन में डाउट, टू, यस सर, टू, वन में डाउट है। शिप इज सेलिंग ड्यू वेस्ट अकॉर्डिंग सम कंपास, इफ द डिक्लेरेशन ऑफ द प्लेस इज 15 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, व्हाट इज ट्रू डायरेक्शन ऑफ शिप। तो वो क्या कह रहे हैं, वेस्ट की तरफ, ये देखो, तो अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो शिप इज सेलिंग अकॉर्डिंग टू सम कंपास, ये रही आपकी शिप, ऐसे जा रही है अलोंग वेस्ट। पर वो कह रहा है डेक्लिनेशन किसी प्लेस पे 15 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, तो मैंने क्या सिखाया था, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आ जाओ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ इस तरफ आ जाओ, और कितना, 15 डिग्री ऐसे। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द ट्रू डायरेक्शन ऑफ शिप। तो शिप की ट्रू डायरेक्शन क्या है,